हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस YouTube चैनल टॉक टू क्रिकेट में। और जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आने वाले T20 वर्ल्ड कप जून के महीने में वेस्टइंडीज़ और USA में खेला जाना है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम भी तैयारियों में जुट गई है। भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 T20 मुकाबले खेले हैं। अब उसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी धरती पर भी 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। वैसे सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप में भारत टीम की कप्तानी कौन करेगा, इसे लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। रोहित शर्मा भले ही तीनों फॉर्मेट में भारत टीम की आधिकारिक कप्तान हो, लेकिन उन्होंने 1 साल से भारत के लिए कोई भी T20 मुकाबले की कप्तानी नहीं करी है। यहाँ तक कि रोहित शर्मा ने पिछले 1 साल से कोई भी T20 मुकाबला नहीं खेला है। रोहित का आखिरी T20 इंटरनेशनल मुकाबला पिछले साल के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। हालांकि दोस्तों सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चल रही है कि रोहित ही अगले साल के होने वाले T20 विश्व कप में कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के सचिव जय शाह ने भी इस मामले को लेकर बड़ी बात कह दी है। जय शाह ने कहा है कि इस मामले पर फैसला करने के लिए अभी पर्याप्त समय है। अभी इस मामले को लेकर के क्विक डिसीजन लेना सबसे बड़ी गलती होगी। T20 विश्व कप जून में हो रहा है, उससे पहले हमारे पास IPL है और अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज भी खेलनी है। इसी के साथ दोस्तों जय शाह ने राहुल द्रविड़ को लेकर के भी बात कही है। जय शाह ने कहा है कि मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और उनकी टीम के कार्यकाल पर अंतिम फैसला साउथ अफ्रीका के दौरा समाप्त होने के बाद ही किया जाएगा। जय शाह ने कहा कि हमने उनका कार्यकाल बढ़ाया है, लेकिन अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है। हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं था। मैंने द्रविड़ और सपोर्ट स्टाफ के साथ बैठक की थी और हम आपसी सहमति पर कार्यकाल आगे बढ़ाने पर सहमत हुए थे। राहुल द्रविड़ के साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद फिर से हम बैठक करेंगे और इस पर फैसला लेंगे। वहीं अगर पिछले T20 वर्ल्ड कप के बाद से ज्यादातर मैचों में हार्दिक पांड्या ही कप्तानी करते हुए नजर आए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से भारतीय टीम ने कुल 23 मैच खेले हैं। इस दौरान चयनकर्ता ने 3 बार कप्तान बदल चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद हार्दिक पांड्या को कप्तानी सौंपी गई, जसप्रीत बुमराह को आयरलैंड दौरे पर कप्तानी सौंपी गई, तो फिर वहीं पर एशियन गेम में ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया था, जबकि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए सूर्य कुमार यादव को कप्तानी दी गई है। वर्ल्ड कप 2023 और T20 वर्ल्ड कप की टीम में शामिल 3 खिलाड़ियों के बारे में जब हमने देखा तो पता चला कि रविचंद्र अश्विन 37 साल के हो चुके हैं, वहीं भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा 36 साल के हो चुके हैं और विराट कोहली भी 35 साल के करीब हो चुके हैं। तो यहां गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि इन तीनों ने ही अपना आखिरी T20 मैच इंग्लैंड के खिलाफ 10 नवंबर 2022 को एडिलेड में खेला था, जो T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल मैच था। देखा जाए तो रोहित शर्मा ने पिछले 1 साल में अपना नजरिया पूरी तरह से बदल लिया है, खास करके वनडे क्रिकेट में। हाल ही में खत्म हुए वनडे वर्ल्ड कप 2023 में उन्होंने 125.94 के स्ट्राइक रेट से 597 रन बनाए थे। ऐसे में T20 वर्ल्ड कप के लिए भी उनकी दावेदारी मजबूत नजर आ रही है। चूंकि हार्दिक पांड्या की फिटनेस चिंता का विषय है, ऐसे में रोहित न केवल सलामी बल्लेबाज बल्कि कप्तान के रूप में भी T20 में वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों इन चीजों को समझने और जानने के बाद आपकी राय क्या है? क्या आप रोहित शर्मा को ही कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं वर्ल्ड कप में, या फिर हार्दिक पांड्या या फिर सूर्य कुमार यादव, इन तीनों में से किसे आप वर्ल्ड कप में कप्तानी करते हुए देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।